आज भी पाकिस्तानी कौम जहनी गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही है कायदाज मोहम्मद अली जिना रहमतल आल के ख़्वा का बरक्स पाकिस्तान में ग़ुरबत बेरोज़गारी कानून की पामाली मजहबी इस जमहूरी आज़ादियों पर पहरे सियासत में फ़ौजी मुदाखलत मीडिया पर पाबंदियों और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पमाली जैसे मसायल बदस्तूर बरकरार हैं लेकिन हर हकूमत पाकिस्तानी आवाम को यही यकीन दिलाते और तलकिन करते दिखाई देती है कि वह एक आज़ाद कौम है लिहाजा खुलकर जश्न आज़ादी बनाए लेकिन कड़वा सच तो यह है कि इस जहनी तौर पर गुलाम कौम के हुक्मरान भी किसी ताकतवर के गुलाम हैं यह हकीकत पाकिस्तान के गुलाम हुक्मरान और गुलाम जहन रखने वाले आवाम भी अच्छी तरह जानते हैं लेकिन इसे आंखें चुराने में ही आफ़ियत और भलाई समझते हैं ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि दरअसल पाकिस्तानी कौम जिन लोगों की गुलाम है वो भी आगे किसी की गुलामी कर रहे हैं और ग़ुलाम सोच रखने वाले हमें गुलामी से ना निकालना चाहते हैं ना ख़ुद निकलना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम चौदह अगस्त को अपना जश्न यौम आज़ादी मनाती है ये सोचे समझे बगैर कि क्या पाकिस्तान तिहत्तर बरस बाद भी वो एक गुलाम कौम है हर साल अगस्त का महीना अजब खुशी और शादमानी लेकर आता है चार सौ खुशियां और नगवे गुनगुनाए जाते हैं बूढ़े नौजवान हती के बच्चे भी खुशी से निहाल होते हैं जिन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि इस महीने एक दिन ऐसा है कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ था लेकिन चौदह अगस्त और जश्न आजादी का मफहम क्या है आम लोग और बिलखसूस नई नस्ल इससे बिल्कुल बेबहरा है अनपढ़ तो चलो प्रोफीगंडे का शिकार होते हैं लेकिन पढ़े लिखे भी मस्व शुदा तारीख के तोते बने हुए हैं आजादी का तस्वुर इन सब के लिए एक मजरद और रुमानवी तसुर की हैसियत रखता है वो बस ये समझते हैं कि हमने चौदह अगस्त को आज़ादी हासिल की लेकिन ये आज़ादी किससे हासिल की और क्यों और कैसे हासिल की इन बुनियादी सवाल से इन्हें कोई सरोकार नहीं हम आज़ादी की तहरीक के दौरान कायद अजम महमदीली जिन्ह की पूरी जदोजहद का ख़ुलासा करें तो वह तीन तस्वूर के गिरद घूमती है जो कायद के पाकिस्तान का बुनियादी तस्वर भी हैं पहला कानून की हुक्मरानी दूसरा जमहूरियत और तीसरा मज़हबी आज़ादी और अफसोस की बात यह है कि जिनाह के पाकिस्तान जिना में तीन चीज़ें आज भी मफकूद हैं इन्हीं तीन तस्वूर पर जिना बक वक्त हुकूमत बरतानिया से भी लड़ते रहे और फिर हिंदुओं से भी लड़े लेकिन आज के पाकिस्तान में ना तो कानून की हाकमियत है ना ही हकीकी जमहूत है और ना ही अकलीयतों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल है। लेकिन जहनी तौर पर गुलाम पाकिस्तानी कौन फिर भी बड़े जोरों शोर से नाम नहाद आजादी का जश्न मनाती है आजम की में हमें आज दिन तक नाकाम है हमने मोहम्मद अली जिना को बना दिया लेकिन पाकिस्तान को उनके ख्वा की तबीर देने में नाकाम रहे जिना अपने हिस्से का काम करके सुरखरु हो गए लेकिन हम उनके ख्वाबों के मुताबिक ना तो पाकिस्तान में कानून की हकमीत कायम कर पाए हैं ना ही हकीकी जमहूरी नज़ाम ला पाए हैं और ना ही अकलीतों को इनके दीनी अकायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी दे पाए हैं दुनिया की हर कौम किसी न किसी असूल और जबते की पाबंद हो चुकी लेकिन हमारी जोग्राफियाई आज़ादी की तारीख हमारे अमलो किरदार की गवाह है कि हमारे मुल्क में फौजी आमलों को आइन तोड़ने की आज़ादी है सियासतदानों को मुनाफत करने की आज़ादी है वकील को मुजरम का दिफा करने की आज़ादी है जज को इंसाफ फ़रोख करने की आज़ादी है मजहबी मुलाओं को दीन फ़रोख करने की आज़ादी है कालम निगार को झूठ बोलने की आज़ादी है सहाफ़ी को ज़मीर फरोशी की आज़ादी है चोर को चोरी की आज़ादी है डाकू को डाका जनी की आज़ादी है पुलिस को रिश्वत लेने और किसी को जान से मारने की आज़ादी है डॉक्टर्स को किसी मजबूर मरीज से मनमानी फीस लेने की आज़ादी है और मरम को तालीम फ़रोख़ करने की आज़ादी है लिहाज़ा पाकिस्तान की जोग्राफियाई आज़ादी का दिन मनाने वालों को ये समझना चाहिए कि असल आज़ादी सोच और जहन की होती है जिस पर पाकिस्तान में कड़े पहरे लगा दिए गए हैं आवाम को यह भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान का असल जश्न आज़ादी उस रोज़ मनाया जाएगा कि जब मुल्क में कादेजम महम्मदली जिना रहमत के तस्वूर के मुता क़ानून की हुक्मरानी होगी जमहूत का बोल बाला होगा और अकलीतों को मजहबी आज़ादियाँ हासिल होंगी YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसू हो जाएगा